सकरन थाना इलाके में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि वर्दीधारी बदमाशों ने हथियारों के दम पर भवन स्वामी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात सकरन निवासी लल्लाराम पुत्र रामनाथ भार्गव अपने परिवार के साथ सो रहा था। इसी बीच दरवाजे पर बदमाशों ने दस्तक दी, जो कि हथियारों से लैस थे। इन्हीं बदमाशों में से दो ने पुलिस की वर्दी पहनी थी। लल्ला राम की माने तो घर की तलाशी की बात कहकर पुलिस की वर्दी पहने बदमाश ने दरवाजे को खुलवाया और बाद में घर का सारा सामान लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। नाम आपका? लल्ला राम। चोरी साहब, एक बजे मैं देखा तो सबको साहब, उनका चेहरा नहीं देखा, पुलिस की वर्दी में रहें और धमकी दिया कि तुम्हारे घर पे असलहा है तो हम कहें साहब तलाशी ले लो, सूचना मिली है तुम्हारे घर पे असला है तो हम कहें ढूंढ लो साहब। तो ढूंढे ला ढूंढ के यहाँ सब सामान जत्ता रहे, जेवर तेवर और सब दाम पैसा रखा कर लें। जब बाहर निकल के यहाँ चले तो हम कहें साहब जो कहाँ सामान ले रहे तो कहें सब खा ले, भोंसड़ी के गोली मार दें। और निकल के बाहर चले तो हम गांव में हल्ला लगाया और फिर गाँव के गए तो गन्ना में फैल गए। अच्छा, गन्ना में फैल गए। अच्छा, चोरी कितने बजे रात में हुई? लगभग एक बजे साहब। एक बजे रात में कितने लोग थे? पांच लोग रहे। पुलिस की वर्दी में कितने लोग थे? पुलिस की वर्दी में दो लोग। पुलिस की वर्दी में। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम? रामनाथ। रहने वाले प्रॉपर कस्बा सकरन के? सकरन के। अच्छा, थाना कौन सा है? सकरन गांव के आखिरी दक्षिण साइड में मकान बना है। बदमाशों ने घर में लूट के साथ एक अन्य दुकान पर भी लूट की वारदात को अंजाम दिया। मिश्रपुर गांव निवासी रजनू यादव की परचून की दुकान पर पहुंचकर सो रहे रजनू को जगाया और चाबी न देने पर पेड़ से बांधकर मारपीट की। अच्छा, रात में आप अपने दुकान पर लेटे थे? दुकान पर लेटे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमको पकड़ लिए। पकड़े के बाद हम तेज तेज बोले लगे तो एक झापड़ में मार दिया हमरे। झापड़ मारे के बाद हमको ले चले गए थनिया के पास। आप यहाँ से लगभग कितनी दूरी पर लेकर के गए थे? कम से कम 50-50 मीटर। 50 मीटर की दूरी पर लेकर के। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ असलाह लगाए रहे दो तीन लोग। इसके बाद एक लोग वहाँ चला आया। इसके बाद हम अपने दो लोग बैठे रहे मेरे पास असलाह लगाते लगाते। तो कहें वो एक लोग गवा तो हाथ छोड़ दे, जान तो मार देना, मार दे, मार दिए। फिर वो लोग चले गए तो धीरे धीरे आए देखें अपन दुकान। दुकान में हम देखें कुछ नहीं तो हम घर का घर का गान तो सोचना भी है। आठ लोग हम यहाँ 60 मीटर के 60 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, थाना आपका कौन सा है? सकरन थाना। गांव कौन सा है? मिसिरपुर। मिसिरपुर। बहरहाल लूट की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं पीड़ित लल्ला राम की ओर से पुलिस को दी गई दो तहरीरें भी सामने आई हैं। मामले में सकरन पुलिस ने लूट की घटना से इनकार किया है। एसओ सकरन का कहना है कि लूट नहीं चोरी की घटनाएं हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है। बहरहाल घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। आई इंडिया के लिए सकरन से विनय अवस्थी की रिपोर्ट। दर्शकों के प्यार से बनी बात मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।